हमने फिजिकल मैटर हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि भाई तीन चार स्टेट होती हैं। चैप्टर फाइव पढ़े हम केमिस्ट्री का, नाइन्थ क्लास की नई बुक का चैप्टर फाइव पढ़े हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि मैटर के चार टाइप्स है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है और प्लाज्मा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने ये बस पढ़ा था, फिर गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गैसेस स्टेट क्या होती हैं, गैस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज़ कर जाना। डिफ्यूजन क्या होता है? देखो कोई भी दो मॉलिक्यूल, कोई भी दो, मैं मिसाल देता हूँ, देखो ये बोला एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर उसमें गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये सिलेंडर उसमें इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। देखो एक लाइट है और एक डार्क, नजर आ रहा है लाइट और डार्क, ठीक है। अभी यूँ समझ लो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये लाइट कलर में जो हैं ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, और रेड कलर में जो डार्क हैं ये हैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, सपोज कर लो, ठीक है। अब जैसे इस गैस को हमने छोड़ा यहाँ से, ठीक है, जैसे इस गैस ने, जब गैस के मॉलिक्यूल आपस में चपके हुए तो नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल चपके हुए थे, इसका मतलब ये मैं शो करें, यहाँ पर हम आपको छोड़ रहे हैं इसको, जैसे ही छोड़ते हैं यानी इसको निकालेंगे, इन्होंने डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाई, इसका डायग्राम प्रॉपर यूँ बनती है कि आप दो कंटेनर अलग लें, एक कंटेनर में अलग गैस के मॉलिक्यूल, एक कंटेनर में अलग गैस के मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, और बीच में यहाँ पर स्प्लिट कर दें, ठीक है, इसकी एक बारीक से सुराख कर दें। अब दो कंटेनर में बारीक से जब सुराख होगा तो गैस यहाँ की गैस वहाँ जाएगी, वहाँ की गैस यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, गैस आपस में मिक्स हो जाएगी। जब दोनों गैसों का आपस में मिक्स हो जाना, दो डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल का आपस में मिक्स हो जाना, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। दो डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल, अब मिसाल तो इसकी मिसाल ये होती है कि एक आदमी जो है, जैसे कमरे में कमरा है, कमरे का एक एरिया है, ठीक है ना, मैं अगर बिल्कुल उस कोने में बैठ जाऊँ और एक आदमी बिल्कुल उस कोने में बैठ जाऊँ, वहाँ पर वो बैठ के स्टैंड लगाए अपने आप को, ठीक है, इस पर लेकर अपने स्टैंड लगाया, तो क्या मैं वहाँ पर बैठा हूँ मुझे खुशबू आएगी? आ जाएगी ना। सबसे पहले किसकी खुशबू आएगी? जो स्टैंड लगा रहा होगा, मुझे बाद में खुशबू आएगी। तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल जैसे उसने स्टैंड लगाया, वो एयर में गए, एयर में डिफ्यूज कर गए, एयर में डिफ्यूज करने के बाद वो फैले, गैस के मॉलिक्यूल चपक के तो रहते नहीं है, वो फैले, फैलते फैलते एयर जो कि मूव कर रही है, गैस के मॉलिक्यूल मूव करते एक मॉलिक्यूल, उसी स्टैंड का एक मॉलिक्यूल मेरे करीब से गुजरा, मुझे स्मेल आ गई, हाँ जी किसी स्टैंड लगाया है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं, एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाएं और मिक्स हो जाएं, दूसरे यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के पास चले जाएं, या ऑक्सीजन के हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल अंदर में आपस में मिक्स हो जाएं, मिक्सिंग को कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज कर जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो गैसें हल्की होती हैं, जिनका मास हल्का होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस का मास कितना होता है, ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है ना, ऑक्सीजन गैस एटॉमिक मास 16 होता है, और हाइड्रोजन गैस एटॉमिक मास 1 होता है, पता है ना, ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर तो पता है ना, पढ़ चुके हो ना केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो एटॉमिक मास कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला तो एटॉमिक मास निकल के आता है, सब पढ़ा हुआ है ना। तो अब जो गैसें लाइट होती हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज करती हैं, तो जो गैसें हैवी होती हैं, तो ऑक्सीजन गैस हैवी है या हाइड्रोजन गैस हैवी है, ऑक्सीजन गैस हैवी ना, ऑक्सीजन गैस का मास कितना है 16, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का मास कितना है 1, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में नाइट्रोजन कहाँ होते हैं, 1+0 होते हैं ना, नाइट्रोजन कह रहा हूँ, वो न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना, न्यूट्रॉन तो होते नहीं हाइड्रोजन में, तो 1+0 1 ही होगा, तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। तो जो गैसें लाइट होती हैं जिनका मास कम होता है वो तेजी से डिफ्यूज करती हैं, बात समझ में अभी आती है। अब जैसे जो एक आदमी भारी है, एक आदमी हल्का दुबला पतला, कौन तेज भागेगा, तो पतला गोजान में ही आता है, जो हल्का जो पतला पतला होगा वो तेज़ भागेगा, जो मोटा होगा वो तेज़ नहीं भाग सकेगा। इसी तरह जो गैसें मोटी का मतलब क्या हुआ, जो गैसें जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो स्लो डिफ्यूज़ करती हैं, और जिन गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ कर जाती हैं। तो ये हाँ होती है, जरूर डिफ्यूज़ करेगी, बस करो। अब एक बंदे ने वहाँ पर स्टैंड लगाया, और वो स्टैंड में दो गैसें, एक दो बंदों ने स्टैंड लगाया, एक बंदे ने स्टैंड लगाया उसमें हाइड्रोजन गैस थी, एक बंदे ने दूसरा परफ्यूम लेकर उसके पास दी थी ऑक्सीजन गैस थी, तो ऑक्सीजन गैस की जो स्टैंड की स्मेल पहले आएगी, और वो हाइड्रोजन वाले वो हाइड्रोजन गैस की स्मेल की पहले मुझे आएगी,
और ऑक्सीजन वाली गैस की स्मेल बाद में आएगी, वो भी तो डिफ्यूज ही करेगी ना, वो भी तो ऑक्सीजन गैस ही है ना, डिफ्यूज वन होती। लेकिन जो गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो तेजी से डिफ्यूज करती है, वो तेजी से आगे जल्दी वहाँ बांध में पहुँच चुकी होगी, क्योंकि वो हल्की है ना, लाइट है, वो तेजी से वहाँ पहुँच चुकी है। ऑक्सीजन गैस उस ऑक्सीजन गैस के हाइड्रोजन गैस के मुकाबले में हैवी है, ऑक्सीजन गैस के मुकाबले हाइड्रोजन गैस के मुकाबले में हैवी है, वो भी डिफ्यूज ही करेगी, लेकिन उस रेट से नहीं करेगी जिस तेजी से हाइड्रोजन गैस करेगी। हाइड्रोजन गैस बहुत लाइट है, वो तेजी से डिफ्यूज है, यानी हफाज करो ऐसा नहीं होगा कि मुझे हाइड्रोजन गैस की स्मेल आई ठीक है और ऑक्सीजन गैस की स्मेल दो घंटे बाद आ रही, ऐसा नहीं होगा कि तो दो घंटे बाद स्मेल आ रही है, हाँ जी ऑक्सीजन गैस की स्मेल समझ आ रही बात है, गैसे हैं लेकिन रेट सबसे पहले किसकी आएगी, हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि वो लाइट गैस है, वो तेजी से डिफ्यूज कर जाएगी। हाँ तो डिफ्यूजन जो डिपेंड करता है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तेजी से डिफ्यूज करेगी, और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो स्लो स्लो डिफ्यूज करेगी। समझ आ गई बात ये? अभी मैं उधर ही आ रहा हूँ कंसंट्रेशन, पहले तो ये पॉइंट समझ लो ना कि जो गैसे लाइट होते, अभी उधर ही आ रहा हूँ, अभी पूरा टॉपिक ये कंप्लीट नहीं हुआ है डिफ्यूजन में। अभी डिफ्यूजन में पहला टॉपिक मैंने ये डिफ्यूजन में ये बताया कि ये पहली चीज़ जो डिपेंड करती है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तेजी से डिफ्यूज करेगी, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो स्लो स्लो डिफ्यूज करेगी। अब मजीद बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की मूवमेंट किस पर डिपेंड, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द वन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ तेजी जाती है, यानी जहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहाँ, यानी जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ तेजी से भागेगी, जहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ स्लो स्लो जाएगी। बताइए जो बता रहा हूँ, द रेट ऑफ दिस मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज मास ऑफ द पार्टिकल। मूवमेंट की गैस के मूवमेंट, एक तो मैंने पहली बात ये बताई गैस के मूवमेंट की, जिस गैस का मास जो होगा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तेजी से डिफ्यूज कर जाएगी। दूसरा मैं बोल रहा है अभी जो मूव कर रही है लैब ने कहा लाइट गैस तेजी से मूव कर रही है और हैवी गैस जो है वो स्लो स्लो मूव कर रही है, एक चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है कि वो हैवी गैस है वो स्लो मूव करेगी। दूसरी चीज़ ये रेट ऑफ दिस मूवमेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, अगर हॉट टेम्परेचर है तो आपका डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, वो कोल्ड टेम्परेचर तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी गैस अगर कहीं एक जगह से जाती है डिफ्यूज कर रही होती है तो वहाँ देखा जाए टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर हाई है यानी बहुत गर्मी है तो गैस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज करेगी, और टेम्परेचर अगर बहुत कम है कोल्ड है तो वहाँ डिफ्यूजन रेट भी शुरू हो जाएगा। ये चीज़ पर डिपेंड करती है डिफ्यूजन का, यानी गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट किस पर डिपेंड करती है, एक तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो कम हो इस पर डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तीसरा विस्कोसिटी का मतलब उस गैस में विस्कोसिटी एंड ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर हवा है ठीक है ना, अब एक आदमी से मैं हवा में उछालूँ ठीक है, बॉल को हवा में उछाला, बल्कि यूँ समझो पहले ऊपर से बॉल को नीचे फेंका, दो मीडियम की बात हो रही है, एक है हवा एक पानी, पानी भी एक मीडियम है हवा भी एक मीडियम है, बॉल को ऊपर से मैं नीचे फेंक रहा हूँ बॉल नीचे आई ठीक है, मैंने टाइम नोट किया कितनी देर में आई एक हाइट से, अब ठीक है अब मैं उतना बड़ा मैं टब ले लिया उसी टब में उतनी हाइट से पानी भरा हुआ है, बॉल को उसमें फेंका, अब वो पानी से बॉल पानी से होती नीचे जा रही है, किसमें बॉल तेज़ी से नीचे आएगी, हवा में ना, भाई देखो इतना बड़ा टब है ठीक है, इतने बड़े टब में पानी भरा हुआ पूरा, और मैं यहाँ पर खड़ा, मेरे पास दो बॉल है, एक बॉल को मैंने ये हवा में खड़ा किया और एक बॉल को टब के ऊपर खड़ा किया हुआ ठीक है, दोनों बॉल को छोड़ा, ये बॉल पानी से होती हुई नीचे जा रही है क्योंकि टब पूरा भरा हुआ है, और ये बॉल हवा, कौन सी बॉल पहले नीचे आएगी, हवा वाली, तो इसको क्या हुआ, इसे कहते हैं विस्कोसिटी, तो पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है हवा की विस्कोसिटी कम है, पानी उस बॉल को रोक रहा है ना, रोकने की कोशिश, तभी तो बॉल स्लो स्लो जा रही है, जबकि हवा भी तो रोक रही है, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा फोर्स से नहीं रोक रही तो बॉल तेजी से नीचे जा रही है, तो हम विस्कोसिटी से कहते हैं ये दो मीडियम विस्कोसिटी मीडियम की होती है, तो एयर की विस्कोसिटी कम है और पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पर मौजूद है, हवा में मौजूद है या वाटर के अंदर मौजूद है, किस मीडियम में मौजूद है, विस्कोसिटी जिस मीडियम की कम होगी वहाँ गैस के मॉलिक्यूल तेजी से डिफ्यूज कर जाएंगे, और जिस मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ मॉलिक्यूल स्लो स्लो डिफ्यूज करेंगे। दूसरी बात समझ में आ गई, विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है ऑफ द मीडियम एंड द साइज मास ऑफ द पार्टिकल, और तीसरी चीज़ है उस पार्टिकल्स के साइज के, देखो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का साइज हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का सेम होगा, अलग होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में ऑर्बिट कितना होता है,
एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन के एटम में कितना होता है, एक ही ऑर्बिट होता है ना फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, जबकि ऑक्सीजन में कितने ऑर्बिट आते हैं, दो या तीन ऑर्बिट तो आते ही होंगे, आते हैं ना, उसका साइज ज़्यादा होता है। तो तीसरी चीज़ डिफ्यूजन में ये डिपेंड करती है कि जो गैसें डिफ्यूज़ कर रही उस गैस का अपना साइज कितना है, बड़ा है या छोटा है। तो हाइड्रोजन गैस का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि उसमें ऑर्बिट ही एक होता है। हाइड्रोजन गैस का एक एटम उठाओ तुम, एक एटम उठाओ तो एक एटम में उसके न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में एक ऑर्बिट होता है, चूंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका साइज छोटा होता है। जबकि ऑक्सीजन गैस उठाओगे तो ऑक्सीजन गैस में भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन उसमें कितने ऑर्बिट आते हैं, एक आते हैं, दो आते हैं, तीन आते हैं, दो एक कहाँ से आएगा, दो या तीन आएगा, दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एट, ऑक्सीजन एट होता है ना, तो एट में पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, अब कहते मुझे छः, दूसरा ऑर्बिट तो दो ऑर्बिट आएंगे तो साइज बड़ा हो गया। तो ऑक्सीजन गैस का एटम का साइज बड़ा है और हाइड्रोजन गैस का एटम का साइज छोटा है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि गैस के साइज का मॉलिक्यूल कैसा है, समझ आई। तो विस्कोसिटी और एटम का साइज और टेम्परेचर, ये तीन चीज़ पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन का रेट इस पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन किस चीज से डिफ्यूज करी गैस, टेम्परेचर मांगा कैसा है, और जो गैस डिफ्यूज कर रही है उसका अपना एटॉमिक साइज कितना है, बड़ा है छोटा है, और तीसरी विस्कोसिटी, जिस मीडियम से वो गैस गुजर रही है वो मीडियम कौन सा, पानी है या एयर है। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर हाई होगा तो गैस को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। जब जब दूसरे बाजू समझ लो, हम सर्दी में सुकून से एक जगह बैठे रहते हैं, गर्मी में सुकून से बैठते हैं, सर्दी में बैठे रहते हैं, सर्दी में पंखा चले हम सुकून से बैठे, बेचैनी नहीं होती, और जब गर्मी होती है बेचैनी कैसी होती है, एक मिनट के लिए पंखा बंद करो भाई, पंखा चलाओ, जल्दी से उठ के पंखा चलाते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जल्दी से भाई पंखा चलाओ। गर्मी में आदमी ज़्यादा एक्टिव होता है ना, सर्दी में आदमी कोई भी काम करेगा तो सुस्ती जुड़ी होती है, यही बात है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब हॉट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस तेज़ी से डिफ्यूज करेगी, टेम्परेचर कम होगा तो गैस तो डिफ्यूज करेगी, समझ आ गई बात, ये डिफ्यूजन। अब वो पॉइंट आ गया जो आपके स्कूल में बताया था, तीन जो बताया था कि आपको बताया होगा कि मूवमेंट डिपेंड करती होती है टेम्परेचर पर, विस्कोसिटी पर और मीडियम और एटॉमिक साइज पर, उसमें यही पॉइंट आपको बताया था, ठीक है। अच्छा अब दूसरा वो कंसंट्रेशन का क्वेश्चन था, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, ये क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द वन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक जगह गैस भरी हुई है, एक कंटेनर उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, एक कंटेनर में वो गैस भरी हुई है कितनी, मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 200 सेंटीमीटर क्यूब की, अब हमारा कंटेनर है उसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब की गैस भरी हुई है, ठीक है, और एक और कंटेनर है वो भी 200 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसमें गैस की क्वांटिटी पहले कंटेनर मुकाबले में हाफ है, ये बल्कि हाफ से भी कम, 1/3 समझ लो। दो कंटेनर हैं, एक में 200 सेंटीमीटर क्यूब की गैस पूरी भरी हुई है, ठीक है, दूसरा कंटेनर में 200 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसमें जो दूसरा कंटेनर में जो गैस है वो उस गैस का 1/4 है, कितने कम हुई, 1/4 समझते हो ना, जैसे ये पेंसिल है इसका 1/4 क्या होगा, इसको 4 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े तो 1 टुकड़ा वो कहलाएगा 1/4, ठीक है। तो अगर अब मैं समझाने के लिए बताऊँ, किलो में बताता हूँ, एक कंटेनर में दो, मैंने सेम कंटेनर लिए हुए, ठीक है, कंसंट्रेशन समझा रहा हूँ, दो सेम कंटेनर लिए हुए, एक कंटेनर में 1 किलो गैस भरी हुई है, ठीक है, 1 किलो सीएनजी भरी हुई है, दूसरे कंटेनर का भी साइज वही है, उसमें आपने 1 पाव गैस भरी हुई है, ठीक है, तो जिस कंटेनर में 1 किलो गैस भरी हुई तो वो ये कहलाएगा हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और जिस कंटेनर में आपने 1 पाव गैस भरी है वो कहलाएगा लो कंसंट्रेशन। तो अगर अब दो कंटेनर को आपने मिला दिया, दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन एक कंटेनर में गैस ज़्यादा भरी हुई है और एक कंटेनर में गैस थोड़ी भरी हुई है, अब दोनों कंटेनर को आपने मिला दिया, दोनों के बीच में सुराख कर दिया ताकि गैस आगे एक दूसरे मूव करना शुरू हो जाए, तो कंसंट्रेशन गैस कहाँ से जाएगी, गैस क्या बताया, गैस की डिफ्यूजन कहाँ होती है, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन लोग होते, तो गैस जिस कंटेनर में गैस ज़्यादा भरी है वहाँ से निकल के तेजी इधर आएगी, या जिस कंटेनर में कम गैस भरी यहाँ से निकल के उस कंटेनर में जाएगी, ज़्यादा से कम में जाएगी ना। एक कमरे में लोग भरे हुए, वो दरवाजा खोलोगे लोग तेजी से बाहर आएंगे, या एक कमरे में एक ही आदमी बैठा वो तेजी से बाहर आएगा, एक कमरे में ज़्यादा भरे वही निकलेंगे ना बाहर, भाई एक कंटेनर है उसमें बॉल भर दो, पूरी बॉल में टाइट पैक कर दिया, दूसरी कंटेनर उसमें बॉल भर दो, दूसरी कंटेनर में दो बॉल रख दो, अब दोनों कंटेनर को हटाओ, दोनों का ढक्कन खोलो, दोनों कंटेनर को हटाओ तो उसमें से बॉल तेजी निकलेगी, जो भरा हुआ उसमें निकली ना, दूसरी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उसमें तेजी निकलेगी, तो ये समझा रहा हूँ मैं, समझ आएगी कंसंट्रेशन, जो चीज़ ज़्यादा पैक्ड होगी जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ गैस भरी हुई होगी वो कहलाएगी हाई कंसंट्रेशन एरिया, और जहाँ क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ गैस कम होगी वो कहलाएगी लो कंसंट्रेशन एरिया।
तो लो कंसंट्रेशन एरिया और हाई कंसंट्रेशन एरिया जब मिलाओगे तो गैस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करेगी। लोअर मूवमेंट करेगा नहीं, वो पहले फारिग होगा तब जाके मूव करेगा, उसको जगह नहीं मिली निकलने, वो जाना चाहिए लोअर कंसंट्रेशन से गैस जानी जा रही होगी उधर, लेकिन वहाँ उसको थोड़ी तेजी से वो उस सारे जितना भी एरिया खुला हुआ उस एरिया तो सारी गैस निकलने तेजी से निकलना आ रही, उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। जब सारी निकल जाएगी आधा से भी कम हो जाए फिर ये निकल जाएगा। तो गैस हमेशा डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन में मूव करती है। आई बात समझ में? नहीं तो फिर वो अपने में मिक्स होना फिर इक्वल हो जाएगी ना, वो तो फिर तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, ये इधर भी जा रही है इधर भी जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी ना, दोनों आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही बात ये? तो ये आपका कंसंट्रेशन, तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया, और एग्जाम्पल ये आपका कंसंट्रेशन, ये था आपका डिफ्यूजन का टॉपिक। ठीक है, डिफ्यूजन का टॉपिक तो ये, बाकी अब निकालो फिजिक्स।